अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आस्क दानकाश। मैं हूँ दानिया और आज का हमारा क्वेश्चन है कि इंस्टाग्राम और फेसबुक का इस्तेमाल करते हुए चीज़ों को कैसे बेचा जाए। किसी ने क्वेश्चन किया है कि जो आप मुझे बता रही हैं, मैं ऑलरेडी ये टिप्स इस्तेमाल तो कर रही हूँ बट स्टिल मैं उतनी ग्रोथ नहीं देख पा रही, या मैं फेसबुक एड्स रन कर रही हूँ। उनका क्वेश्चन है कि मैं रन तो कर रही हूँ फेसबुक एड्स बट मैं उतनी एक्सपेक्टेड मुझे रिटर्न नहीं मिल रहा, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो सबसे पहली बात ये कि कंग्रेचुलेशंस के आप रन कर रही हैं एड्स और आप टिप्स को फॉलो कर रही हैं एंड आपके लिए समवट वर्क कर रहा है और आप मज़ीद जानना चाहती हैं। पहली बात तो मैं आपको इतने पे ही मुबारकबाद देना चाहूँगी बिकॉज़ ये भी मोर देन इनफ है, वरना लोग सुन के फॉलो भी नहीं करें। सो आप अगर अपने बिज़नेस के लिए इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे पोस्टिंग कर रही हैं और देख रही हैं रिजल्ट्स, देन दैट इज़ अ रियली गुड थिंग। नाउ अब आपके क्वेश्चन की तरफ कि आपको रिजल्ट्स क्यों नहीं मिल रहे, तो रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं लेकिन कम हैं आप कह रही हैं। सो वो जो मैटर करती है, बात ये है कि इट टेक्स टाइम। डोंट थिंक कि 2 महीने 3 महीने 4 महीने में कोई बहुत ही सिग्निफिकेंट रिज़ल्ट, आप 2-3 महीने 4 महीने अगर आपको हुए ये करते हुए तो आपको हल्की बहुत ग्रोथ ही नज़र आएगी। 1-2 महीने में 4 महीने में आप मिलियन डॉलर्स कंपनी नहीं बिल्ड कर लोगे, इट विल टेक ईयर्स टू गो देयर। सो ऐसे इसमें कोई क्विक स्ट्रैटेजी नहीं है। जो आप कर रहे हो काम आपने वही करना है, सोशल पोस्टिंग आपने करनी है और आपने कंटेंट क्रिएट करना है, वॉल्यूम्स में एड्स प्लेस करने हैं, सब कुछ करना है, बट स्टिल इट विल टेक टाइम। इनिशियल 2-3-4 मंथ्स में आपको ग्रोथ ज़रूर नज़र आएगी, थोड़ी थोड़ी आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, सेल्स बढ़ेंगी, थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट होगा, बट आई वॉन्ट से कि आप बिल्कुल स्क्रैच से अचानक ही बिलियनेयर बिजनेस बन जाएगा। उतना बनने के लिए ऑब्वियसली इट विल टेक टाइम। सो नंबर वन चीज़ तो यह है कि कंटेंट जो भी पुश कर रही हैं उसको बढ़ा दें, मज़ीद कंटेंट। मतलब हम गैरी वेनरचक को देखते हैं या नील पटेल को या और लोगों, दिन में 20-20 स्टोरीज़ इंस्टाग्राम पे वो पोस्ट कर रहे हैं। सो ये लेवल है कंटेंट की डिमांड का और कंटेंट की सप्लाई का। सो आप कंटेंट अपना इंक्रीज़ कर दें। अगर आप अभी 2 दफ़ा पोस्ट कर रही हैं, दिन में 3 दफ़ा करें, 4 दफ़ा करें एंड कंटेंट इसी तरह अक्रॉस मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स कंटेंट का कॉन्टेक्स्ट समझ के करें कि कहाँ पे इमेज अच्छा लगेगा, कहाँ पे वीडियो अच्छी लगेगी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट इस्तेमाल करें, कहीं ऑडियो पॉडकास्ट इस्तेमाल करें, कहीं वीडियोस इस्तेमाल करें, कहीं ग्राफिक्स, कहीं इंफोग्राफिक्स। सो मिक्स ऑफ कंटेंट एंड अ लॉट ऑफ कंटेंट, दोनों चीज़ें क्रिएट करें। सेकंड चीज़ है कि एड्स प्लेस करें। मुझे नहीं समझ आती कि लोग एड्स प्लेस करने से घबराते क्यों। वो कहते हैं कि जी ऑर्गेनिक रीच अगर हमें मिलेगी बस वही अच्छी हमारे बिज़नेस के लिए, एड्स तो जी ये तो इनऑर्गेनिक ट्रैफिक है और इट्स नॉट चीटिंग और एनीथिंग। देखिए लोग टीवी पे तो ऐड चला के बहुत फ़ख्र महसूस करते हैं, बिलबोर्ड पे ऐड लगा के अच्छा महसूस करते हैं, तो फेसबुक पे ऐड चलाने में कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है। मैं चलाती हूँ फेसबुक पे ऐड, इसमें क्या शर्माने वाली बात है, हर बंदे को चलाना चाहिए अगर वो अपने बिज़नेस को ग्रो करना चाहता है। सो इंस्टाग्राम फेसबुक पे, अगर आपका इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं है, लेट्स जस्ट से आपका अकाउंट है ही नहीं, तो फिर भी आप इंस्टाग्राम पे एड्स रन करें। अकाउंट की रीच को छोड़ें, अकाउंट के फॉलोअर्स को छोड़ें, बट ऐड के थ्रू एटलीस्ट कन्वर्जन्स तो लें, एटलीस्ट सेल्स तो लें। सो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचें कि पता नहीं ऑर्गेनिक रीच ही सिर्फ अच्छी होती है और इनऑर्गेनिक नहीं अच्छी होती। नहीं, इट इज़ एडवर्टाइजेशन से मार्केटिंग की दुनिया में, एडवर्टाइजिंग की दुनिया में मार्केटर्स लगाते हैं एडवर्टाइजिंग पे पैसा, मार्केटिंग पैसा, ऐसा आप लगाएं एंड इट विल रिटर्न यू। वो आप देख के लगाएं कि किस ऐड के ऊपर मैंने कितने पैसे लगाए एंड देन एड्स की वेरिएशंस ज़रूर जहन में रखें कि एक ही ऐड के ऊपर 10,000 रुपया, 1,00,000 रुपया, 50,000 रुपया ना रन कर दें। बेशक आपने एक ही प्रोडक्ट का ऐड बनाना है, उसकी आप 20-30 वेरिएशंस बनाएं, 20-30 वेरिएशंस ऑफ टेक्स्ट एंड कॉपी। अगर वीडियो है तो उसमें आप क्या चेंज करें, टेक्स्ट है तो उसमें आप क्या चेंज करें, कॉपी है तो उसमें, इवन 1 वर्ड की वेरिएशन होती है। क्योंकि आपने रादर देन सेइंग कि मैं एक ऐड लगाता हूँ उसको चलाता हूँ लेकिन मैं उसमें मैसेज इस तरह का रखूँगी कि 5,000 लोगों से देखें तो वो उन सारे 5,000 लोग जो हैं वो उसमें अकोमोडेट हो सकें, और उसमें से असल में ख़रीदना 15 नहीं है, कन्वर्ट 15 नहीं होना है, तो वाई नॉट कि मैं सिर्फ 15 लोगों के लिए ये ऐड बनाऊं और पूरा सोच सोच के बनाऊं एक एक बंदे को, कि वो लड़की जो डॉक्टर है पर प्रैक्टिस नहीं कर रही, शी इज़ अ हाउस वाइफ, शी हैज़ अ किड, उसके लिए मैं ये ऐड बना रही हूँ, एक कॉपी हो गई। दूसरा ऐड मैं उसके लिए बना रही हूँ, वो ग्राफिक डिज़ाइनर जिसके पास स्किल तो है, जिसकी ग्राफिक डिज़ाइनिंग तो बहुत अच्छी है लेकिन उसको कोई क्लाइंट से जॉब करने का, कम्युनिकेशन करके जॉब क्लोज करने का तरीका नहीं आ रहा, उसके लिए ये ऐड है। तीसरा ऐड, मतलब इस तरह अपने जहन में अपनी ऑडियंस सोचें कि मेरा जूता कौन कौन पहनना चाहेगा, मेरा बैग कौन कौन ख़रीदना चाहेगा, मेरी शर्ट कौन कौन पहनना पसंद करता है, मेरी सर्विस किस किस को चाहिए, मेरी जो थेरेपी है या मेरा जो काउंसलिंग है वो कौन कौन ऑप्ट कर सकता है, टीनेज बंदा ऑप्ट कर सकता है,
एंड देन उस टारगेट ऑडियंस को जहन में रखते हुए 15 से 20 से 30 जितनी भी आपकी ऑडियंसेस बनती हैं मल्टीपल वेरिएशंस ऑफ एड्स बनाएं. मेक सेंस? आपको समझ आई ये बात? क्या आपने एक जेनेरिक ऐड नहीं बना लेना जो 5,000 लोग देखें? नहीं, आपने फिल्टर डाउन डिग डाउन करके एक एक बंदे के लिए एक एक ऐड की वेरिएशन बनानी है स्पेसिफिकली, बिकॉज दैट्स हाउ इट वर्क्स ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम. ठीक है ना? सो ये फेसबुक एड्स की मैं आपको बता रही हूँ. एंड देन थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है समझनी वो यहाँ पे है कि कंटेंट, अक्सर लोग ये कहते हैं कि मैं कंटेंट तो क्रिएट कर रहा हूँ लेकिन मुझे उस कंटेंट की बेस पे वो ट्रैक्शन नहीं मिल रही या क्वालिफाइड लीड्स नहीं मिल रही. लोग तो आ रहे हैं मेरे पास लेकिन क्वालिफाइड लीड्स नहीं है, उस चीज़ के लिए नहीं आ रहे जो मैं उनको बेचना चाहता हूँ या मैं उनको ऑफ़र कर रहा हूँ. सो इसके अंदर एक सबसे ज़रूरी बात ये जाननी है कि कॉन्टेंट जो है वो आपके बिज़नेस गोल्स और आपके ऑब्जेक्टिव्स के साथ अलाइन करना चाहिए. कॉन्टेंट बनाते हुए उसका कॉन्टेक्स्ट भी देखें और उसकी टेंट भी देखें. बस अन्यवा कंटेंट ना क्रिएट करी जाएं लोगों को देख के कि फ़लाँ ने इस बारे में बात किया इसलिए मैं भी इस बारे में बात कर देता हूँ, फ़लाँ का ये स्टाइल है इसलिए मैं भी ये स्टाइल कर लेता हूँ. नो, आप अपना बिज़नेस गोल देखें, अपना ऑब्जेक्टिव देखें कि आप क्या कोई बहुत टॉप क्लास मैगज़ीन है. फॉर एग्ज़ाम्पल डॉन न्यूज़ है, क्या आप डॉन न्यूज़ का कंपेटिटर बनना चाहते हैं जो आप डॉन न्यूज़ जैसी स्ट्रेटजी इस्तेमाल कर रहे हैं? नो, आप तो चाहते हैं कि आप एक इंफॉर्मेशनल एंड ऑथेंटिक कॉन्टेंट देने की जगह बने एक अपनी नीश के अंदर. फॉर एग्ज़ाम्पल आप हेल्थ की नीश में आप चाहते हैं, आपका इंटेंट ये है, आपका बिज़नेस गोल ये है कि मैं हेल्थ की नीश में एक ऑथेंटिक प्लेस, एक ऑथेंटिक ब्लॉग, एक ऑथेंटिक साइट बन जाऊं. जब किसी ने हेल्थ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन कंफर्म करनी हो लेशर से पाकिस्तान के अंदर, तो मेरी साइट से वो जो रिज़ल्ट हो उसको ऑथेंटिक समझा जाए. अब आपका कॉम्पिटिशन डॉन नहीं है, आपका कॉम्पिटिशन डॉक्टर्स हॉस्पिटल नहीं है, आपका कॉम्पिटिशन जिना नहीं है, सो RIUC नहीं है. आपने मेक श्योर करना है कि आपका कॉन्टेंट उसी इंटेंट के साथ है जो आपका बिज़नेस ऑब्जेक्टिव है. सो अपने इंटेंट को ना चेंज कर लें. सबसे पहली बात, अपनी नियत किस के लिए, आपका एंड रिज़ल्ट क्या है, वो क्या अचीव करना चाहते हैं, उसको जहन में रखते हुए अपना कंटेंट क्यूरेट करें और क्रिएट करें. फोर्थ इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि कंटेंट में प्लीज़ सेल्स को डिसगाइज मत करें. अगर मैं चाहती हूँ कि मैं आपको कहूँ कि आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ख़रीदें तो मैं आपको ऐसे कहूँगी कि जी मेरा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ख़रीदें, ये आपको बहुत हेल्प करेगा, इसके अंदर ऐसे है वैसे है. मुझे इसमें कोई शर्म नहीं है कहने में कि आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ख़रीदें, आप अपना करियर बना सकते हैं, आप सेल्फ सस्टेनेबल हो सकते हैं. मुझे पता है कि हो सकते हैं आपको अपनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी बनानी आ जाएगी, आपको लोगों की फेसबुक कैंपेन सेटअप करनी आएगी, इंस्टाग्राम कैंपेन सेटअप करनी आएगी, ट्विटर मार्केटिंग समझ आएगी, यूट्यूब एड्स आएंगे, गूगल एड्स आ जाएंगे, ये सारा कुछ आप सीख लेंगे, जी आप मेरा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ज़रूर बाय करें. ये देखें, ये है डायरेक्ट सेल. बट रादर देन कि आप सेल को जब आप डिस्गाइज करते हैं ना अपनी पिच के अंदर कि मैं बात, फॉर एग्जांपल जैसे मैं अभी आपके क्वेश्चन का आंसर कर रही हूँ तो मैं उसके अंदर डिस्गाइज कर दूँ कि आप देखें जो है आपको, आप इसका मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे कंटेंट क्रिएट करें, कंटेंट की इंटेंट को समझें. अगर आपको कंटेंट की इंटेंट नहीं समझ आ रही तो आप ना, वो एक हमारा कोर्स है डिजिटल मार्केटिंग का, आप उसको भी देख सकते हैं. नो, क्यों देख सकते हैं? अगर क्लियरली कहें सेल के बारे में कहना है उसको एक अलहदा वीडियो में कहें, उसको बहुत क्लियरली कहें. किसी को इन्फॉर्मेशन देनी है वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन दें, दोनों चीज़ों को आपस में कन्फ्यूज़ ना करें. जब आप डिस्गाइज करते हैं सेल को पिच के अंदर, लाइक एक इन्फॉर्मेशनल कंटेंट के अंदर आप सेल को छुपा के बेचना चाह रहे हैं किसी चीज़ को, तो दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क. बल्कि वो ऑडियंस को मज़ीद ऑफ कर देता है कि वाई ये ऐसा क्यों कर रहा है, इसकी प्रोडक्ट में ऐसी क्या बात है कि ये खुल के नहीं सेल मांग रहा. सो जब आपने सेल मांगनी है खुल के मांगे कि जी ये मेरी प्रोडक्ट है, इसमें ये फ़ायदे हैं, इसके ये प्लसेज हैं, आप इसको बाय करें. ठीक है, अगर इन्फॉर्मेशन देनी है क्लियरली इन्फॉर्मेशन दें कि हम इस बारे में बात करें, इस प्रॉब्लम के बारे में बात करें, इसका ये सलूशन है. वहाँ पे आप सेल करने की, डिस्गाइज करने की कोशिश मत करें. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि ब्रांड बनाएं, ब्रांड के ऊपर फोकस करें, सिर्फ सेल्स के ऊपर फोकस ना करें कि मेरी बस सेल हो रही है, मुझे कोई कंसर्न नहीं है कि मेरा लोगो कैसा है, मेरी प्लेसमेंट कैसी है, मेरे लैंडिंग पेज का कलर कैसा है, मेरे ब्रांड की मैसेज कैसी है. सो अगर आपका ब्रांड एल्डरली लोगों के लिए है तो फिर उसका कैसा वार्म मैसेज है एल्डरली के लिए, कैसा स्मूथ और सटल मैसेज है, क्या क्लियर उसके अंदर कॉपी है, क्या फॉन्ट है कॉपी का, क्या ये सारी चीज़ें आपकी ब्रांडिंग है कि फॉन्ट का साइज़ क्या रख रहे हैं, फॉन्ट का स्टाइल क्या रख रहे हैं, क्योंकि एल्डरली ने उसको पढ़ना है. अगर वो यंग लोगों के लिए तो उसमें कौन से ब्राइट कलर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके अंदर किस तरह आप लाइफ पुट कर रहे हैं, कौन से फॉन्ट्स फंकी इस्तेमाल कर रहे हैं, सो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं.
एंड देन ब्रांड बनाना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज एक ब्रांड के साथ लोगों की एसोसिएशन होती है. अगर आज तक हम सर्फ एक्सेल ख़रीदते हैं या मेरे जहन में वो गाय सोप का एड है या गाय सोप इस घरों में इस्तेमाल होता है या डालडा की इस्तेमाल होता है, सो इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ दी ब्रांडिंग जो बचपन से हम उनकी देखते आ रहे हैं और हमारे दिमागों में इम्प्रिंट हो चुकी है. सो अब मैं कहीं पर भी अगर जे डॉट लिखा देखूँ तो मुझे पता है कि ये जे डॉट की चीज़ है और ये क्वालिटी है, सही है ना. सो ये उन्होंने अपने ब्रांड के साथ एसोसिएट कर लिया है कि हमारी चीज़ हमेशा क्वालिटी होती है. सो मेक श्योर करें कि अपने ब्रांड के ऊपर फोकस करें, सिर्फ सेल्स के ऊपर फोकस ना करें, क्योंकि सेल्स शॉर्ट टर्म में होती हैं. सेल्स रहती हैं 6 महीने, साल, बहुत होगा आपका बिजनेस प्रॉफिट कमा लेगा, लेकिन ब्रांड्स हमेशा के लिए होते हैं, नस्ल दर नस्ल चल सकते हैं. सो मेक श्योर अपने ब्रांड को ब्रांड बनाएं, अपने बिजनेस को ब्रांड की उसके ऊपर फोकस करें, उसकी लोगो, उसकी प्लेसमेंट, उसका मैसेज, उसका ओवरऑल जो भी फील है उसका. आपकी अगर कोई टीम आपने हायर की हुई है तो वो कस्टमर के साथ उनका क्या इंटरेक्शन है, उनको क्या पता है आपके ब्रांड की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस और कोर एम के बारे में. सो ये सब जानना बहुत ज़रूरी है और उसको इम्प्लीमेंट करना भी ज़रूरी है. देन इन्वेस्ट करें, प्लीज़ 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 प्लीज़. जितना भी आपने मेंशन किया कि मैं इतना प्रॉफिट कमा रही हूँ बट ये अभी थोड़ा है, मैं ज़्यादा चाहती हूँ, तो जी अगर आप प्रॉफिट कमा रही हैं और आप ज़्यादा चाहती हैं तो मैक्सिमम वापस अपने बिज़नेस में इन्वेस्ट करें. अगर आप पेप्सी जैसी बड़ी कंपनीज़ को देखें, वो अपना 60% बजट जो है वापस मार्केटिंग में डालते हैं. सो आप भी, मैं 60% 80-90% जो भी आप कमा रहे हैं बस उसमें से अपने अगर ऑपरेशन कॉस्ट निकालनी है वो निकालें, बाकी सारा वापस इन्वेस्ट कर दें फेसबुक एड्स में, इंस्टाग्राम एड्स में, यूट्यूब एड्स में, गूगल एड्स में. बट ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करें अपने ब्रांड के अंदर. जो चैनल्स अगर फेसबुक आपके लिए अच्छी कन्वर्जन करें फेसबुक में इन्वेस्ट करें, अगर इंस्टाग्राम अच्छी कन्वर्जन करें इंस्टाग्राम में इन्वेस्ट करें, जो भी आपके लिए अच्छी कन्वर्जन करें उसमें इन्वेस्ट करें. बट अभी के लिए कुछ अर्से के लिए, 2-4 साल 5 साल के लिए अपनी ज़ाती ख्वाहिशात को दबा दें कि मैं वर्ल्ड टूर करना था, मैंने तो अज़रबैजान जाना था, मैं बाकू जाना चाहती थी वैकेशन पे, या मैं फ़लाँ चीज़ ख़रीद, मैंने लग्जरी बेड लेना है, मैंने अपडेटेड मॉडल की कार लेनी है. नहीं, अभी जो आपको ब्रांड पैसा दे रहा है उसको आप वापस ब्रांड में, बिज़नेस में इन्वेस्ट करें. फॉर द टाइम बीइंग इन मोमेंट्स को, इन छोटी छोटी ख्वाहिशात को या बड़ी बड़ी ख्वाहिशात को दबा के रखें और एटलीस्ट 4-5 साल बिज़नेस को दें. बिकॉज अगर आप अभी से ये सारा पैसा अपने लाइफस्टाइल में और अपनी पॉकेट्स में डालना शुरू कर देंगे, पैसा तो ख़त्म हो ही जाना, आपका बिज़नेस भी ख़त्म हो जाएगा. सो मेक श्योर करें कि वापस इन्वेस्ट करते रहे. एंड देन अगर आप फेसबुक पे कह रही हैं कि मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ बट उस तरह रिटर्न्स नहीं आ रहे, तो फिर आप देखें कि क्या आप फेसबुक के अंदर वेरिएशंस डाल रही हैं, आप क्या प्रॉपरली ऑप्टिमाइज कर रही हैं, टारगेट ऑडियंस सही चूज़ कर रही हैं, एफिनिटीज सही चूज़ कर रही हैं. क्योंकि देखिए इट्स नॉट, बहुत ऐसे नहीं है कि बस यूँ मैंने 5,000 डाला, यूँ 50,000 निकाल लिया. बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, देखना पड़ता है व्हाट वर्क्स एंड व्हाट डजन. सो फेसबुक तो पहले भी कन्वर्ट कर रहा था, अभी भी कन्वर्ट कर रहा है उन बिजनेसेस के लिए जो प्रॉपरली इसको मार्केट करें. बट आप कहीं पे लैक कर रहे हो, आपकी कोई चीज़ मिस है, तो मेक श्योर करो कि टारगेटेड ऑडियंस के लिए टारगेटेड एड्स बनाओ एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने बिज़नेस को समझो, उसके साथ टाइम स्पेंड करो, देखो एनालिटिक्स को ऑब्जर्व करो कि किस किस्म की पोस्ट पे एंगेजमेंट है. एंड देन फाइनली जिस लैंडिंग पेज पे आप लैंड करवा रहे हो फेसबुक पे, आपका बंदा गूगल और फेसबुक से आई वी ऑडियंस में फ़र्क होता है. गूगल पे जो लोग होते हैं ऐड पे जो क्लिक करते हैं वो बाय के मूड में होते हैं, बस डायरेक्टली वो बाय करना चाहते हैं. बट जो फेसबुक पे आते हैं वो मोस्टली मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाह रहे होते हैं, मज़ीद अवेयरनेस चाह रहे होते हैं. तो फेसबुक से जिस लैंडिंग पेज पे आप लैंड करवाएं, मेक श्योर करें कि वहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन भी हो, कोई प्रोडक्ट के फीचर्स हों, प्रोडक्ट के कोई क्लाइंट टेस्टिमोनियल हो, कोई वीडियो हो, कुछ भी हो जो प्रोडक्ट के बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन क्लाइंट को दे सके, कस्टमर को, और वो अपना डिसीजन ले सके, ताकि एंड देन कॉल टू एक्शन वेरी क्लियर हो, प्राइस बड़ी के साफ मेंशन हो कि ये प्राइसिंग ऑप्शंस हैं, ये प्राइस का बटन है, ये बाय नाउ है, या जो भी है. सो मेक श्योर कि बहुत क्लियर और इजी लैंडिंग पेज हो. समटाइम्स ये भी होता है कि फेसबुक तो आपको सारी ऑडियंस दे रहा है, रेलेवेंट भी दे रहा है, लेकिन आपका लैंडिंग पेज नहीं कन्वर्ट कर पा रहा, तो अपने लैंडिंग पेज को भी ऑप्टिमाइज करें सेल्स के लिए. आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन. अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मोहब्बतें बांटें.